तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो को बताने वाले हैं कि किस स्टेप से आप लोग जो फेसबुक की जो अकाउंट है आप लोग किस स्टेप से डिलीट कर सकते हो या फिर किस स्टेप से आप जो डिसेबल कर सकते हो कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव दिखाने वाला हूं कि किस स्टेप से आप जो आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसको जो है डिलीट कर सकते हो। तो फ्रेंड इसके लिए तो आप लोग यहाँ पर मेरा जो फोन का स्क्रीन है वो अभी इस साइड देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना, आपको जो फेसबुक को ओपन कर लेना। ठीक है, यानी कि फेसबुक को ओपन करना है एंड अगर आपको उस पर कुछ पासवर्ड वगैरह तो पासवर्ड देने के बाद उसको लॉग इन कर लेना है। ठीक है, तो लॉग इन करने के बाद सिंपल से आपके सामने इस टाइप का पेज आएगी। तो यार इस पे मैं जो है फेसबुक अकाउंट ओपन करके रखा, इसी अकाउंट को जो मैं यहाँ पर से डिलीट करके दिखने वालों। ठीक है, तो सिंपल से क्या करना है, आपको इस जो थ्री लाइन है इस पे आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आप लोग यहाँ से स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या इस पे आना, तो सबसे पहले आपको जो एपीएस पर आ जाओगे। ठीक है, जैसे आप लोग लॉग इन कर लोगे, जैसे फिर इससे थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको थोड़ा सा नीचे जाना है एंड आप लोगों को जो जहां पर मिल जाती है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन देख सकते हो। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक कर दोगे देन आपको फिर से सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको फिर से वो सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर दोगे देन आपके सामने सबसे पहले जो आएगा पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग उस पर क्लिक कर दोगे देन सबसे जो नीचे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग इस पे क्लिक कर देते हो देन आपके सामने क्या आती है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि और डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, तो आपको इस पे क्लिक करना है जो कि दूसरा वाला। ठीक है, क्लिक करना आप लोग यहाँ पर डीएक्टिव अकाउंट की आप अपने अकाउंट को डीएक्टिव कर सकते हो या फिर अगर आप चाहते हो कि अकाउंट को डिलीट करना तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जो नीचे वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन जो है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे देन आपको यहाँ पर से बोला जाएगा कि यार तो आपको इस पे क्या करना है, आपको इस पे कुछ भी ध्यान नहीं देना है, कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन के ऊपर क्लिक कर देना है फिर से। ठीक है, जैसे आप लोग इस पे क्लिक कर दे तो देन देख सकते हो कि यार आप इस पे क्या क्या कर सकते हो देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस पे जो है अकाउंट को डीएक्टिव कर देना है, यानी कि डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही कर दोगे देन आपको पूछा जाएगा कि आपका जो अकाउंट का जो पासवर्ड है पासवर्ड एंटर करो, तो सिंपल से आपको अपना जो भी फेसबुक का पासवर्ड है वो आपको एंटर कर देना है। ठीक है, तो सिंपल से पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको जो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है एंड जैसे आप जो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो इस पे क्या बोला गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से बोला गया है कि अगर आप लोग जो 30 डेज के अंदर अगर आप लोग इस अकाउंट को अगर फिर से लॉग इन कर दो तो आपका जो अकाउंट जो है डिलीट नहीं होगी, बट अगर आप लोग जो 30 डेज इस अकाउंट को अगर ओपन नहीं करोगे यानी कि लॉग इन करने की कोशिश नहीं करोगे तो आपका जो अकाउंट है 30 डेज के बाद जो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दोगे देन आपका जो अकाउंट है वो जो डिलीट हो जाएगी, यानी कि अभी जो रिमूव हो चुका है। अगर आप लोग जो 30 डेज वेट करने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये जो अकाउंट है नहीं रहेगा, बट अगर आप लोग 30 डेज के पहले अगर इसको जो लॉगिन करने की कोशिश करोगे देन ये जो अकाउंट है फिर से जो लॉगिन होकर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, होप आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका है कि किस स्टेप से आप लोग जो फेसबुक की जो अकाउंट है किस स्टेप से डिलीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फिर से कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर अगर वीडियो आपको कैसा लगा वो आपको जरूर से कमेंट करके बता देना, और अगर चैनल पर पहली बार तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।